पावन गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शहर के अनेक स्थानों से साई पालकी निकाली गई। शहर के मंदिरों में दर्शन हेतु भाविकों की लंबी कतार लगी। प्रस्तुत है इस पर सीटीवी की विशेष प्रस्तुति। मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, ओम साई राम। ओ मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे। आज का दिन एक पावन दिन है। वो पावन इसलिए है क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा और आज के दिन गुरु की पूजा अर्चना की जाती है। जिस भी व्यक्ति ने जिस इंसान को अपने जीवन में अपना गुरु माना है उसकी आराधना की जाती है। वैसे भी आध्यात्मिक क्षेत्र में गुरु का स्थान ऊपर वाले से बड़ा होता है और गुरु के द्वारा ही ऊपर वाले के दर्शन होते हैं और गुरु अपने शिष्य को सत्य मार्ग दिखाता है और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है, क्योंकि सत्य के मार्ग पर चलते ही ईश्वर उस खुदा के दर्शन होते हैं। वैसे गुरु पूर्णिमा पर गुरु का महत्व क्या है, गुरु क्या है, गुरु हर सवाल का जवाब है, गुरु हर मुश्किल की युक्ति है, गुरु ज्ञान का भंडार है, गुरु मार्गदर्शक, गुरु एक एहसास है, गुरु प्यार है, गुरु ज्ञान की वाणी है, गुरु हमारे जीवन का चमत्कार है, गुरु मित्र है, गुरु भगवान रूप है, गुरु अध्यात्म की परिभाषा है। धन्य वो लोग जो गुरु के संपर्क में हैं तथा उनके सानिध्य में जीवन के कुछ ज्ञान और शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिला। गुरु शब्द और गुरु का जीवन समुन्द्र की गहराई है जिसका वर्णन नहीं किया जाता। सब धरती कागज करो, लिखनी सब बन रहा है, सात समुन्दर को मसी करो, गुरु गुण लिखाना जाए। गुरु की महत्ता, कर्ता करे ना कर सके, गुरु करे सब होए, सात द्वीप नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई। मैं तो सात समुंदर की मसी करूँ, लेखनी सब बन रहा है, सब धरती कागज करूँ, लिखनी सब बन रहा है। ऐसे अनेकों उदाहरण गुरु के पूरी दुनिया में देखने मिल रहे हैं और जिसने ही गुरु को अपनाया उसके जीवन में खुशियाँ और दुख हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। और इसीलिए आज हर इंसान इस गुरु पूर्णिमा के पावन मौके पर अपने गुरु के आगे नतमस्तक होते रहता है। और ऐसे ही पावन मौके पर साईं के दर पर सीटीवी की टीम सुबह सुबह वहां पर पहुंची और वहां के भक्तिमय नजारे को अपने कैमरे में कैमराबंद किया, जहां पर साईं भक्त पूरी तरह अपने गुरु अपने साईं में लीन थे। प्रस्तुत है इस पावन गुरु पूर्णिमा पर हमारे तंत्र निदेशक शैलेश गणवीर की एक खास प्रस्तुति। जय माता दी साईं राम। गुरु गोविंद दोई खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद देव बताए। जैसा कि आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और हर जगह हर धर्म हर मजहब में गुरु को श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि एक भक्त कहता है कि एक तरफ ऊपर वाला है मालिक है, एक तरफ गुरु है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सबसे पहले मैं किसका पैर पढूं। तो उसे ऊपर वाला ज्ञान देता है कि गुरु के मार्फत ही ऊपर वाले के दर्शन हो सकते हैं और मालिक का दर इस समय सबका मालिक, जिन्होंने पूरी दुनिया को जो संदेश दिया शिरडी के हमारे भगवान, चाहे किसी भी रूप में मानो, इस समय आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम मालिक के दर पर इस समय मौजूद हैं, साई के दर पर। और साई के दर पर आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में भक्तगण यहाँ पर मौजूद हैं। सीटी न्यूज़ हर कदम खबर की ओर में मैं और मेरे साथ वैभव विहारकर सबसे पहले मालिक के दर पर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम यही प्रार्थना करेंगे कि सभी के जीवन में खुशियाँ हो, सबका मंगलमय हो। जितने भी लोग आपके दर पर आ रहे हैं उनकी जो भी मनोकामना है, उनकी जो भी इच्छा है, उनकी जो भी दुख है, जो भी उनकी परेशानी है, आप अवश्य उस पर पूरा करें और इंशाल्लाह ये पूरा करते हैं, क्योंकि इनका दर ही अच्छा है, एक सच्चा दरकार है, ये साई का दरबार है। और आप देख सकते हैं, वैभव से मैं आकर करूँगा, देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं इस समय और लगातार भक्तों की भीड़। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि साई को मानने वालों की संख्या पूरी दुनिया में बढ़ते जा रही है, कहीं भगवान, कहीं खुदा, कहीं गुरु नानक देव, कहीं प्रभु यीशु, कहीं भगवान बुद्ध, सबका मालिक एक के रूप में जो संदेश दिया है हर जगह आप देख सकते हैं। बीच में इस समय साई भक्त हैं और आज गुरु पूर्णिमा के महोत्सव पर आप लोग यहाँ पर क्या क्या करते हैं? हम लोग जो है महाप्रसाद का आयोजन करते हैं और चूँकि आज ग्रहण है, इस वजह से 4 बजे हम लोग 12 से 4 महाप्रसाद रखेंगे। उसके बाद जितने भी साईं भक्त हैं यहाँ आते हैं, अभिषेक का कार्यक्रम रखते हैं सुबह 8 से 9, लोग वहाँ अभिषेक में शामिल होते हैं, उसके बाद महाप्रसाद होता है। ये महाप्रसाद का कार्यक्रम कितने वर्षों से आप लोग यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं? हम लोग जब से मंदिर खुला है जब ही से आयोजित कर रहे हैं, लगातार साल में 4 करते हैं हम लोग। अक्टूबर जिस दिन की समाधि ली थी उस दिन भी करते हैं, जिस दिन इसके स्थापना दिवस हुआ था उस दिन भी करते हैं, जिस दिन गुरु पूर्णिमा हुई थी उस दिन भी हम इनका वो करते हैं, महाप्रसाद का आयोजन करते हैं। तो आप इस समय देख सकते हैं एक साईं भक्त ने कहा कि साईं की कृपा से हमेशा यहाँ पर हर गुरु पूर्णिमा के अवसर और साल में 4 बार ऐसे मौके आते हैं जहाँ पर साईं भक्त साईं की कृपा से यहाँ पर महाप्रसाद का आयोजन करते हैं। हम आज गुरु पूर्णिमा के पावन मौके पर और लोगों से यहाँ पर बातचीत करते हैं। साईं बाबा मंदिर के मुख्य पुजारी इस समय मसादे महाराज मौजूद हैं। मसादे महाराज जी, मुझे बताइए गुरु पूर्णिमा का कितना महत्व है, एक भक्त के जीवन में साईं का कितना महत्व है? साईं बाबा का
जिनको अपन गुरु मानते हैं उनकी पूजा करने के दिन है और उनकी आराधना करने के दिन है, और जो भी भक्त जिनको भी गुरु मानते हैं उन्हीं का ही आज का महोत्सव है, उन्हीं की ही कृपा से सभी भक्तों को भी साई बाबा के आशीर्वाद से अच्छा योगदान है। इस समय साई के दरबार पर क्या बड़ा क्या छोटा, और इस समय हमारे साथ में साई भक्त राहुल पावड़े इस समय मौजूद हैं जो मनपा स्थायी समिति के सभापति है। आज के दिन के विशेष दिन पर कुछ राहुल पावड़े कुछ कहिए। आज गुरु पूर्णिमा का एक बहुत बड़ा उत्सव है और इस उपलक्ष्य में ही मैं भी साई के चरण में आशीर्वाद लेने आया हूँ। लाखों भक्त आज गुरु दक्षिणा के रूप में साई मंदिर में आते हैं और एक अच्छा दर्शन लेके जाते हैं। निश्चित रूप से आपने देखा है इस संस्कृति में गुरु ने जो विचार दिए हैं, गुरु के जो विचार है उसी विचारों से इस समाज का उत्थान करने हर कोई व्यक्ति आज के दिन गुरु का आशीर्वाद लेता है। हमारे साथ में रमेश कुतपलिवार जी हैं जो काफ़ी सालों से यहाँ पर सेवा में लीन है, एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं, और इस मंदिर के बारे में थोड़ा सा रमेश कुतपलिवार जी बताइए और यहाँ का पूरा इतिहास बताइए। हे जो मंदिर जो है साई बाबा, हे विदर्भ मतलब पहला मंदिर है ना, बदलारशाला साईबाबाची मूर्ती आई बसवली, परंतु ते दुसरे देवदेवता त्याच्यामध्ये असले त्याच्यामध्ये त्यांनी साईबाबाची मूर्ती बसवली। फक्त साईबाबाची मूर्ती असलेलं मंदिर हे विदर्भातलं पहिलं मंदिर आहे, याच्यानंतर नागपूर अमरावती अकोला झालं, पण विदर्भातलं हे पहिलं मंदिर आहे। 1971 या मूर्तीची स्थापना केली आणि तेव्हापासून दरवर्षी 3 कार्यक्रम आम्ही घेतो। पहिला कार्यक्रम हा गुरुपौर्णिमेचा असतो, दुसरा समाधी दिन दसऱ्याला असतो, आणि तिसरा जो कार्यक्रम आहे हा साईबाबाची मूर्ती बसवली त्या मूर्तीच्या स्थापनेच्या वेळा तो दिवस। जसं की विस्तारपूर्वक इसका पूरा इतिहास बताया, इस मंदिर का इतिहास बताया और कब से इसकी स्थापना हुई, और इस समय एक बार फिर मैं सभी के लिए साई की तरफ से दुआ मांगता हूँ। मैं हमारे प्रतिनिधि वैभव रिवारकर के साथ में मैं मंटू सिंह, CTV न्यूज़, हर कदम खबर की ओर के लिए। आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर अनेक जगहों पर धार्मिक एवं आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है और अनेक स्थानों से साई की पालकी निकाली जा रही है, और ऐसे में शहर के भूतकाला वार्ड में साई की पालकी यात्रा नूतन युवक व्यायाम प्रसारक मंडल की ओर से हर वर्ष की तरह निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में साई भक्त साई का गुणगान करते हुए दिखाई दे रहे थे। वहीं कोई घोड़ों पर सवार अलग अलग वेशभूषा के साथ में कर्तव्य करते हुए भी दिखाई दे रहे थे, जो लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे, और पूरा परिसर साई में हो गया था और हर तरफ साई की लीला, साई के बखान का गुणगान हो रहा था। इस समय हमारे CTV न्यूज प्रतिनिधि राजू अनन ने भी वहाँ पर मौजूद थे।